खगड़िया ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी खगड़िया के बेलदौर और परबत्ता विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने परबत्ता से रालोसपा के उम्मीदवार अंगद कुशवाहा और बेलदौर से बीएसपी प्रत्याशी सुशांत यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से मतदान कर रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। ओवैसी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ रही है, नीतीश सरकार ने शिक्षा को बहाल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपने काम की वाहवाही कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि लॉकडाउन में वो गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाए। स्कूल में शिक्षा के मामले में टीचर भी रहेगा, तालीम भी होगी और आखिरी बार बिहार सरकार ने 2013 में टीचर का अपॉइंटमेंट किया था। आप उपेंद्र कुशवाहा साहब को अपना मुख्यमंत्री बनाइए, वो टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनका रेगुलराइजेशन किया जाएगा और टीचर के पोस्ट खाली उनको फिल किया जाएगा ताकि स्कूल में टीचर रहे। इस पूरे विधानसभा में डिग्री कॉलेज दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता है। आप हमारे भाई अंगद कुशवाहा साहब को यहाँ से अपने मेले बनाइए, इंशाल्लाह ताला एक नहीं तीन डिग्री कॉलेजेस हम उपेंद्र कुशवाहा साहब से कहकर यहाँ पर बनाएंगे। ऐसा पंथ हाईवे को जैम कर दिया गांव के लोगों ने, क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था। क्या जेडीयू का प्रत्याशी उनके बेटे वहां पर गए थे? कोई नजर नहीं आया। एक बुनियादी चीज है किसी को खाना खिलाना, ये सरकार का बुनियादी अहम काम होता है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताइए आप लॉकडाउन में गरीबों को खाना नहीं खिला सके। आज बिहार में कई स्कूल हैं, विकास के नाम पर स्कूल तो है मगर आप बताइए उन स्कूलों में टीचर नहीं है। आखिर में उन्होंने लोगों से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार को वोट कर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट।